Welcome. Subscribe to AS Foundation, India's leading academy for CA course, and hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. Please come to AS24. What is the name of the standard? Discontinuing operation. Discontinuing. Not discontinued. Continuing. Second, not discounted. Somebody said discounted operation. You have to speak properly. Respect the institute. Discontinuing operations. Now, what is the topic? There are some companies which are operating many businesses. They are into several business lines and they may want to discontinue one or more operations. They want to discontinue one or more operations. Unko lagta hai ki itne sare business mein paisa lagane se achcha hai, dimag lagane se achcha hai, effort lagane se achcha hai. जो आपका मेन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं उन पे फोकस करो और बाकी को डिसकंटिन्यू करो. इज इट राइट? तो वैसे ऑपरेशंस को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आपका ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू होने वाला है, आप जानते हैं कि ये डिसकंटिन्यू होने वाला क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन ले लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया है कि अब ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करेंगे. उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप, बस यही है चैप्टर. तो अगर एक कंपनी है सपोज ए लिमिटेड, ये फूड बिजनेस में है, फार्मा बिजनेस में है, एयरलाइन बिजनेस में भी है और बैंकिंग बिजनेस में भी है. देखो डाइवर्सिफिकेशन की हद. तो इन्होंने सोचा ये जो बिजनेस है ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको करना चाहते हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं. तो अब क्या करेंगे? अगर मैं डिसकंटिन्यू करूंगा तो इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा था अगले साल से वो नहीं होगा. अगर ये प्रॉफिट वाला था तो अगले साल से आपकी टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगी. अगर ये लॉस मेकिंग था तो आपका टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा. इससे जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा था वो बंद हो जाएगा. इसके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे क्योंकि आप उसको बेच देंगे किसी को. तो यानी कि जो करंट ईयर का परफॉर्मेंस है और जो फ्यूचर का परफॉर्मेंस होने वाला है उसमें काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने वाला है. हो सकता है बेटर हो फ्यूचर का परफॉर्मेंस, हो सकता है कम हो, क्योंकि कभी कभी आपको शायद प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बेचना पड़ सकता है पैसे रेस करने के लिए, पैसे रेस करने के लिए. इज इट राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ग्रुप है जी ग्रुप, जो आप जी टेलीफिल्म देखते हैं ना, जी सिनेमा, हाँ बहुत सारे उनके चैनल्स हैं, बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं उनके. ये है जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, ठीक है. उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा है, इतना लोन ले रखा है कि कंपनी बंद होने के नजदीक पहुंच गई. लेकिन इनका एक प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल है, ये टीवी वाला, बाकी उतने मालो नहीं चल रहे हैं. एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उनका, वो ज्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन वहां उन्होंने लोन ले रखा है. तो लोन वापस कैसे करेंगे? इसको बेचना पड़ेगा आपको, तब जाकर पैसा रेज होगा, तब आप लोन रीपे कर पाओगे. तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपना ये बिजनेस मॉडल सेल कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें. तो अगले साल से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि आपका जो सबसे मेन बिजनेस था
वही आप बेच रहे हैं, वही आप, तो अगले साल से प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि जो आपका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है वही आप बेच रहे हो, क्योंकि आपको फंड्स की फिलहाल बहुत जरूरत है ताकि आप अपने लोन दे सकें, नहीं तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, क्रेडिटर चला जाएगा कोर्ट में। इसलिए क्या ये इंफॉर्मेशन शेयरहोल्डर्स को देना जरूरी है कि हम अपने कुछ बिजनेस को, एक या दो या तीन जो भी है, उसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अगले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, अगले साल की प्रॉफिट इस साल से बहुत डिफरेंट हो सकती है, कैश फ्लो डिफरेंट हो सकता है, बैलेंस शीट डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा काम था तुम्हें बताना, अब तुम्हारा काम है डिसीजन लेना। तो अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस बंद होने के बाद, बिकने के बाद, डिसकंटिन्यू होने के बाद कंपनी की प्रॉफिट घट जाएगी, शेयर की प्राइस घट जाएगी, तो इन्वेस्टर अभी से शेयर बेच देगा, लेकिन आपको लगता है ये बढ़ सकता है शेयर का प्राइस, तो कंटिन्यू करेगा। तो ये स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, सिर्फ एक डिस्क्लोजर दे रहा है, किसके बारे में, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन टेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन, कैन टेक टाइमली डिसीजन। अगले साल वो डिसकंटिन्यू होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, तब तक कि शेयर की प्राइस का जो डैमेज होना है वो हो चुका होगा, फिर डिसीजन लेने में लेट हो जाएगा। शेयर मार्केट में आप लेट नहीं कर सकते डिसीजन लेने में, इज इट राइट, क्योंकि 6 महीने के बाद तो शेयर की प्राइस अपने आप ही जितना चेंज होना है हो जाएगी, उसके बाद आप बेचने जाओगे तो घाटा हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इनहांस द एबिलिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है यूजर्स को हेल्प करना टू मेक प्रोजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज कैश फ्लो, क्योंकि फ्यूचर का कैश फ्लो आपके इस ईयर के कैश फ्लो से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। टू प्रोजेक्ट अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, फ्यूचर की प्रॉफिट इस साल की अर्निंग से अलग होगी, क्योंकि आप अपना एक सिग्निफिकेंट ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, फ्यूचर की फाइनेंशियल पोजीशन इस साल से डिफरेंट होगी। तो आपको क्या करना, जो ऑपरेशन आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उसका प्रॉफिट, उसका कैश फ्लो, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अलग से प्रेजेंट करना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने हैं, ये ऐसा बोलो करने ही नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोजर देना है आपको। अगर आपको याद हो, चांसेस कम है, P&L अकाउंट में लास्ट के 4-5 लाइन अगर आपको याद हो तो वहां लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन टैक्स एक्सपेंस, यस और नो, तो वो यही था, वो यही AS 24 है वो, ठीक है। इसलिए आपके शेड्यूल 3 के भी लास्ट के कुछ लाइन में उन्होंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग से प्रेजेंट करना है मेन फेस पे, फेस ऑफ द पीएनएल अकाउंट पे, ताकि लोगों को पता चले कि आपका इस साल जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या शेयर है। और ये जानने के बाद जिनको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर को जो डिसीजन लेना होगा ले सकते हैं। दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, इसका मतलब अगर आप 1, 2, 3, 4 ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये स्टैंडर्ड फिर सबके लिए एप्लीकेबल है, चूज नहीं कर सकते हैं। सपोज 5 बिजनेस है, 3 डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो तीनों के लिए फिर स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा, इज इट राइट। आपको कोई चूज वन ऑफ द 4 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे MCQ नहीं चल रहा है आपका, सारे अप्लाई हो जाएंगे, सबके लिए S24 आ जाएगा। अभी स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की। तो ये स्टैंडर्ड तभी एप्लीकेबल होगा जब ये डेफिनेशन फुलफिल होगी। मान लो मैंने AC बेच दिया, खराब हो गया, क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, इसको क्या अलग से बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट नोट्स में दिखाएंगे, नहीं। मान लो पूरा ये इंटरमीडिएट की बैच ही बंद कर दी, एग्जाम्पल के तौर पे,
क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा, ये हो सकता है, इज इट राइट? चलो चार बेंचेस भेज देते हैं, क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा? तो कंपनी टाइम टू टाइम एक या एक से ज्यादा एसेट बेचते रहती है, रिस्ट्रक्चरिंग करते रहती है। हर एक सेल ऑफ एसेट को या रिस्ट्रक्चरिंग को हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? उसके लिए उन्होंने लिखा है कुछ कंडीशन, देखिए। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कंपोनेंट वर्ड अंडरलाइन। सर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब हो सकता है कि वो एक एसेट हो, जैसे आपकी फैक्ट्री। जनरली एसेट नहीं होता है, ग्रुप ऑफ एसेट्स होगा फैक्ट्री, ओके? बट इट कैन बी अ लोकेशन ऑल्सो। हमारा एक बिजनेस कराची में भी है। कहाँ है कराची? कहाँ है? हाँ कहाँ पर है कराची, जरा बताओ। गुजरात साइड में है, ठीक है, थोड़ा गुजरात से थोड़ा और आगे है, एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर थोड़ा उसमें अंदर जाके, ठीक है, बस गुजरात के पास में। जवाब सही है, लेकिन उस तरफ है। सीमा पार है, अब वहां पर बिजनेस कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देगी। तो हमने सोचा कि इसको बंद करो, डिसकंटिन्यू करो, इज इट राइट? इट कैन बी अ प्रोडक्ट ऑल्सो। इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। कंपनी क्या कर सकती है, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड है, उन्होंने बाइक्स बंद कर दिया, अब सिर्फ टेम्पो बेचेंगे, ठीक है, ऑटो, तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स हो गया। ऐसा टाइम टू टाइम कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर सकती है, पूरा प्रोडक्ट लाइन बंद कर सकती है। तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इन्होंने क्या किया है, कंपोनेंट वर्ड यूज किया है, ताकि कंपोनेंट की डेफिनेशन में कुछ भी आ सके जो बाकी कंडीशन मीट कर सके। प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, ग्रुप ऑफ सर्विस, लोकेशन हो सकता है, एसेट हो सकता है, ग्रुप ऑफ एसेट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, सब्सिडरी हो सकती है, सब्सिडरी भी हो सकती है, इज इट राइट? तो ऐसा वर्ड यूज करना जिसका कई इंटरप्रिटेशन निकल सके। इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू अ सिंगल प्लान। यानी बोर्ड ने एक प्लान बनाया है, रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिंगल प्लान। सिंगल प्लान का डेफिनेशन नीचे आएगा, बट अभी ऐसा समझो कि एक हमने पूरा डिटेल प्लानिंग की है कि ये फैक्ट्री, ये मशीन, ये एम्प्लॉयज को हम वहाँ से निकालेंगे, इतने प्राइस पे बेचेंगे, इसको बेचेंगे, और इतने समय में हमारा रिकवरी होगा, ये पूरा प्लानिंग कर ली है, उसको बोलेंगे सिंगल प्लान। ऐसे पीस मिल कभी कभार हम एक आध एसेट बेचते रहते हैं, वो हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल प्लान। That the enterprise pursuant to a single plan is disposing of मतलब बेचना, substantially in its entirety, disposing of substantially in its entirety, तो लगभग वो पूरे का पूरा component बेचेंगे, लगभग वो पूरे का पूरा component बेचेंगे, such as, अब हम dispose कितने तरह से कर सकते हैं। एक होता है जो कंपनी यूजुअली फॉलो करती है, बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। एग्जांपल, जैसे मान लो एक कंपनी है जेके सीमेंट, नाम सुना है, इन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा हुआ था। लोन चुकाए कैसे, पैसे खत्म हो गए,
पूरे का पूरा सीमेंट का जो डिवीजन था बिरला सीमेंट को बेच दिया, बिरला सीमेंट को, तो सिंगल ट्रांजेक्शन में कि पैसा दो डिवीजन लो। इसका फायदा क्या होता है, पैसा जल्दी मिल जाया गया, पीस मिल में बेचेंगे, लास्ट में एक पीस मिल भी दिया हुआ है देखना कहीं, तो पीस मिल में टाइम लगता है और दूसरा पीस मिल में पैसे कम मिलते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन में पैसा भी ज्यादा मिलता, सामने वाले को भी फायदा है ना, अगले दिन से आएगा प्रोडक्शन चालू, सब कुछ रेडी है, स्टाफ रेडी है। दूसरा होता है डीमर्जर और स्पिन ऑफ। डीमर्जर और स्पिन ऑफ में क्या करेंगे, हम एक कंपनी फॉर्म करेंगे और ये एसेट्स और लायबिलिटीज उस कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ताकि वो कंपनी फिर उसको फोकस करे और रन करे। हमारा काम क्या है, सीमेंट बनाना, और ये बिजनेस क्या है, एयरलाइन। अब मैनेजमेंट के पास सीमेंट चलाना और एयरलाइन बिजनेस रन करना दो अलग अलग एक्सपर्टाइज है। कुछ लोग जोश जोश में स्टार्ट तो कर देते हैं एक एयरलाइन बिजनेस, लेकिन एयरलाइन बिजनेस को रन करना डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए उसके लिए, और आप इतने साल से सीमेंट का बिजनेस कर रहे थे तो आपको लगता नहीं, इसका पूरा अलग करो, एक अलग मैनेजमेंट को दो, एक्सपर्ट्स को लाओ, उनको ट्रेनिंग दो ताकि वो उसको मैनेज करे। खुद से सब कुछ करना चाहेंगे तो हो पाएगा नहीं, अच्छे से नहीं हो पाएगा। और बिजनेस में अगर आप आज के जमाने में अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उसको सेपरेट करके एक अलग कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डिस्पोजल। तीसरा है पीस मिल। पीस मिल का मतलब पीस 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 करके बेचेंगे, किसी को बिल्डिंग दे दिया, किसी को फैक्ट्री, किसी को मशीन, किसी को इन्वेंट्री, इस तरह से। ये भी अलाउड है इस मेथड में। अगर मान लो कोई कस्टमर मिल ही नहीं रहा जिसको मैं पूरा बेच सके तो क्या करेंगे, फिर पीस मिल ही बेचेगा इंसान, यस और नो? डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल सच एज बाय सेलिंग द कंपोनेंट्स एसेट एंड सेटलिंग द लायबिलिटी इंडिविजुअली। तो उस डिवीजन के एसेट्स और लायबिलिटीज को हम इंडिविजुअली एक एक करके सेल करेंगे और लायबिलिटीज पे करेंगे। और तीसरा मोड क्या है, अबेंडनमेंट। तीसरा मोड क्या है, टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट, यानी कि हम उसको बंद ही कर देंगे, उसको हम बंद। तो एक ऑपरेशन आपका था कराची में, कहां, गुजरात से थोड़ा आगे सीमा पार करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया, क्योंकि बेच सकते नहीं है, बेच सकते नहीं है, और पीस मिल में भी नहीं बिकेगा, उसके लिए जाना होगा कराची पहले। तो कराची जाएंगे तो पता नहीं हम लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, आपको वो पकड़ के बोलेंगे नहीं ये जो है गवर्नमेंट का स्पाई है, इंडियन गवर्नमेंट का स्पाई है, ये आया है यहाँ पे स्पाइंग करने, वो पकड़ के अंदर कर देंगे। फिर इससे अच्छा भाई तुम ही रख लो हमारी मशीन, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो हो गया टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट। क्योंकि क्या है, जब दो कंट्री के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तो उनके साथ बिजनेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। दैट रिप्रेजेंट्स, अब देखना ये जो तीन पॉइंट है ये आइदर और है, मतलब हम सिंगल ट्रांजेक्शन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पीसमील ट्रांजेक्शन में भी सेल कर सकते हैं, या अबेंडनमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आप ऑपरेशन आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, इट शुड रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, सेपरेट मेजर लाइन। अब ये मेजर वर्ड जो है ना काफी सब्जेक्टिव है, मेजर मतलब क्या है, अगर मैं एक एसी बेचूं तो क्या मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, नहीं, चारों एसी बेच दूं तो भी नहीं, पूरी क्लासरूम बेच दूं तो शायद हाँ हो सकता है। तो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, और
इट कैन बी अ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन. तो अगर आपने एयरलाइन बिजनेस बेचा तो आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी. आपने कराची बंद कर दिया जहां से पहले आपको बहुत प्रॉफिट होता था, तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन हो गया. इस स्टैंडर्ड में मेजर को डिफाइन नहीं किया गया स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी एज एन अकाउंटेंट हम एक एस्टिमेट करेंगे कि अगर उस ऑपरेशन से कम 10% या उसके ऊपर रेवेन्यू होती है, पूरी कंपनी का रेवेन्यू का 10 या उससे ज्यादा, या कंपनी की प्रॉफिट का जो 10% के आसपास इस ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट होता है, या कंपनी के टोटल एसेट का 10% इस बिजनेस में डेडिकेटेड हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है या मेजर एरिया ऑफ ऑपरेशन है. कुछ तो मेजर में एक कट ऑफ चाहिए ना. तो हम लोग क्या करेंगे, 10% अगर रेवेन्यू हो, 10% प्रॉफिट हो, या 10% एसेट हो, या कोई और क्राइटेरिया, तो आप बोल सकते हैं कि मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है. अब ये सब आपको बुक में नहीं लिखी रहती है, बुक में तो डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया. आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कुछ तो बेंचमार्क होना चाहिए. इज इट राइट? एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. यानी अगर मैं उसको बेचना चाहूं तो क्या मैं उसको फिजिकली उस ऑपरेशन को अलग कर सकता हूं या नहीं. मान लो आप एयरलाइन बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो क्या आप उसको एज सच किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, पहले ये देखो. तो ये हो गया ऑपरेशनली फिजिबल होना चाहिए, और दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी वो फिजिबल होना चाहिए. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए फिजिबल होना चाहिए मतलब क्या हम उस ऑपरेशन की, यहां लिखता हूं मैं, एसेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बुक्स में, क्या हम उसके लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हम उसके रेवेन्यू को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड क्या हम उसके एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हम उसके कैश फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपको बोलेगा थोड़ी देर में कि अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो इसके एसेट को अलग से डिस्क्लोज करो, इसकी लायबिलिटी को अलग से डिस्क्लोज करो, इसके रेवेन्यू एक्सपेंस कैश फ्लो को अलग से डिस्क्लोज करो. अब ऐसा आप तभी कर पाओगे जब वो पॉसिबल है. इज इट राइट? जब वो, यानी आप बुक्स ऑफ अकाउंट इस ढंग से मेंटेन करते हैं कि चाहे तो इस ऑपरेशन का हम एसेट निकाल सके, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैश फ्लो, अदरवाइज आप इस स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे. अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए ये 5 आइटम, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैश फ्लो. तो बुक्स ऑफ अकाउंट अभी आप जब लिखोगे, जब आप सीए बन जाओगे, और जो कंपनी बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, तो यूजुअली कंपनीज क्या करती है, उनको एक कॉस्ट सेंटर या एक रेवेन्यू सेंटर देती है, ठीक है ना, जिनको टैली आता अच्छे से, वहां पर भी एक कॉस्ट सेंटर आप बना सकते हैं, ठीक है, ताकि एक दिन आप ES24 अप्लाई कर सके. ताकि अब एक दिन, क्योंकि ES24 में अगर आपको उसको अप्लाई करना है तो उसका आपको इस साल का इनकम कितना वो निकालना आना चाहिए ना. आपने उसको अलग से अकाउंटिंग ही नहीं की है, पूरे ईयर एंड में फिर बैठ के एक 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 इनवॉइस को बैठ के टिक करोगे, इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, पॉसिबल नहीं होता है. तो एंट्री करते समय ही उसको उस ऑपरेशन को अलोकेट करना है. समझ में आया? अगर ऐसा कर सकेंगे तो फिर वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अकाउंटिंग हो सकती है. तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है सर? कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू अ सिंगल प्लान इज गोइंग टू डिस्पोज. मोड ऑफ डिस्पोजल कैन बी आइदर सिंगल सेल ट्रांजेक्शन, डी मर्जर, पीस मिल और अबेंडनमेंट. इट शुड रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, एंड यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट फॉर ऑपरेशनल पर्पस
and for financial reporting purpose. ऑपरेशनली मतलब किसी को आप बेचोगे तो आपको पता होना चाहिए ना उसको क्या देना है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस मतलब आपको उसकी एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस और कैश फ्लो, ALIEC, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैश फ्लो, ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक बहुत बड़ा डेफिनेशन, और ये एक ही डेफिनेशन है पूरा, बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, सीधा एक बार स्टार्ट हुआ तो जाकर सीधे लास्ट में खत्म हुआ वो, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 4, कंपोनेंट सोल्ड सब्सटेंशियली इन इट्स इंटायरिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ डिस्पोजल, मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड लिखा है ना पैराग्राफ 4 में, इसका मतलब जनरली कंपनी चाहेगी कि एक ही आदमी को पूरे का पूरा एसेट बेचो, काम भी जल्दी हो जाएगा, एफर्ट्स भी कम लगेंगे और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सामने वाले को भी तो फायदा है ना, एक खुद से बिजनेस स्टार्ट करना और एक जमा जमाए बिजनेस खरीदना, ये क्या इजी है, जमा जमाया, इज इट राइट, जमा जमाया, क्योंकि आपको पहले ना तो लैंड खरीदना है, ना बिल्डिंग, ना उसके नीचे प्लांट मशीनरी लगानी है, ना इम्प्लॉय जुगाड़ करना है, ना इम्प्लॉय का इंटरव्यू लेना है, सब कुछ तो रेडी है, कस्टमर रेडी, क्रेडिटर रेडी, इज इट राइट, सारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके लिए आप भी प्रीमियम देने को तैयार है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करो जिसको उस एसेट की गरज हो, तो हम क्या करेंगे उसके साथ एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। व्हाट इज बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, बायर के ऊपर भी सेलर के ऊपर भी, तो टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं। जिस दिन आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया मतलब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि हमें इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना ही है, और तब ES24 उस दिन से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, इज इट राइट। तो ये ट्रिगर पॉइंट है, जिस दिन BSA हो गया, BSA वेलकम टू ES24, भले हम पोजीशन बाद में दें, भले वो पैसे मुझे बाद में दे, लेकिन ये तो तय है कि अब ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने वाला है, बाकी फॉर्मेलिटी होते रहेगी समयानुसार, बाकी फॉर्मेलिटी धीरे धीरे होते रहेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि अब ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने वाला है। आइए, स्वागत है आपका ES24 में। पेमेंट का क्या हिसाब किताब है, पेमेंट या तो आप एग्रीमेंट के वक्त दो, या जब हम ट्रांसफर करेंगे एसेट्स लायबिलिटी तब दो, या बाद में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ पड़ता है जब आप बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट साइन करते हैं, इज इट राइट। पेमेंट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिसाइड द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ES24, पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। कई बार क्या होता है, अमाउंट बड़ा रहता है, जैसे सीमेंट डिविजन आपने अक्वायर किया JK का, तो 2600 करोड़ रुपया देना है। अब 2600 करोड़ कोई 25 रुपया तो है नहीं कि एक बार निकाला दे दिया, 2600 करोड़ रुपया है वो, ठीक है। तो फिर उसको धीरे धीरे 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 500 करोड़ करके, लाइक दैट अलाउड है, उससे हमारे ES24 की एप्लीकेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा है मोड ऑफ डिस्पोजल पीसमील, पीसमील के बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। पीसमील का मतलब है कि एसेट्स को हम इंडिविजुअली या ग्रुप में बेचेंगे, लेकिन पूरे का पूरा बिजनेस एक साथ नहीं बेचते हैं। कई बार होता है कि आपको कोशिश करने के बाद भी ग्राहक नहीं मिलता है, क्योंकि पर्टिकुलरली वही चीज चाहिए किसी व्यक्ति को, ये जरूरी नहीं है, इज इट राइट। या कई बार उस बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, कोई हाथ, जैसे इंडियन
गवर्नमेंट की एक एयर इंडिया है, उन्होंने दो बार उसको ऑक्शन के लिए रखा कि आओ कोई खरीद लो इस एयर इंडिया कंपनी को, इसके सारे प्लेन्स तुम्हारे, सारे एसेट्स तुम्हारे, सारे राइट्स तुम्हारे, लेकिन लायबिलिटी भी तुम्हारी, ये जो एयर होस्टेस ये भी तुम्हारी। जितना मुझे नॉलेज है, दो तीन बार ट्राई किया लेकिन कोई खरीदने के लिए अभी तक आया नहीं है, इज इट राइट? तो दिक्कत होती है अधिक। अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सारे प्लेन को ही बेचना पड़ेगा अलग से, और जितने भी उनके पास राइट्स हैं अलग अलग कंट्री में उनको लैंडिंग राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। एयर इंडिया ऐसी इंडियन कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा राइट्स है फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने का, बाकी एयरलाइंस के पास इतने राइट्स नहीं है। मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं ले लेता, लेकिन थोड़े कम पड़ गए, हाँ थोड़ा कम पड़ गया, इस बैच के बाद शायद हो जाएगा। वाह तुम लोग, मैं एक मजाक करता हूँ तो तुम उसके ऊपर दूसरा करते हो। तो क्या करेगी एयर इंडिया अभी, अगर कोई मिला ही नहीं उनको, तो धीरे धीरे वो अपने राइट्स प्लेन्स सब बेचेंगे और क्या करेंगे। जेट एयरवेज का भी वही हुआ, बेचने के लिए रखा उन्होंने अपने आप को, कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो अगला स्टेप क्या है, पीस मिल, कम से कम प्लेन्स तो बेच दो, जो भी आपका एयरपोर्ट पे राइट्स है स्लॉट्स है वो बेच दो, है कि नहीं। तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ डिस्पोजल, पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान होना चाहिए, बस पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान। ऐसे बीच बीच में तो हम एसेट बेचते ही रहते हैं बिजनेस में, है कि नहीं। कोई आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, उनकी पॉलिसी भी मैंने देखी, 2 साल के बाद उस कंप्यूटर को नेसेसरली वो बेचती ही है। तो क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो गया, नहीं, डिस्पोजल ऑफ कॉम्पोनेंट मे बी एट प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। क्या जरूरी कि सारे एसेट बिक जाएंगे तभी हम उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बोलेंगे, नहीं, बस प्लान रेडी होना चाहिए, बोर्ड एग्री करनी चाहिए, और आप कोशिश आपकी जारी है बेचने की, मतलब ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, और उसके बारे में फिर आपको डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर S24। और एक नीचे टिक करना अबेंडनमेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर हम अपना जो ऑपरेशन है उसको बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका एक ऑपरेशन था कराची में, वहां पर आप कारपेट्स बनाते थे, किस चीज की फैक्ट्री थी, कारपेट बनाने की, ठीक है। पाकिस्तान की कारपेट्स बहुत अच्छी होती है, नहीं पता आप लोग को, कभी मिले तो खरीद लेना, ठीक है। मुझे एक बार मिल रही थी लेकिन मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि लाने का बड़ा टेंशन था, दुबई गया था ना, वहां पे पाकिस्तानी कारपेट्स मिलते हैं, लेकिन फिर मैं सोचा ये कारपेट लेके मैं फ्लाइट में जाऊंगा कैसे कैसे जाएंगे डिक्की में, मेरे पिताजी की डिक्की है क्या, नालायक। लेकिन बहुत सुंदर कारपेट्स रहते हैं, उनका कलाकारी भी बहुत अच्छी रहती है। फिर मैं उनसे छोटी मोटी चीजें खरीदी, मैं बोला हिंदू पाकिस्तानी भाई भाई, ठीक है, कहीं गवर्नमेंट पकड़ लेगी अननेसेसरी, तो पता चला मेरे को जेल वाले में कारपेट में सोना पड़ेगा फिर। हाँ लेकिन पाकिस्तानी चीज चाहिए तो दुबई से खरीद सकते जाके। इंडिया और पाकिस्तानी क्या करते, एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन दिखाते नहीं है, और दुबई में जाके फिर मिलते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर कभी कभार हम कोई बिजनेस का स्कोप चेंज कर देते हैं तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि
पहले ये जो बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी थी, आपको शायद पता होगा, एक कंपनी है पूना बेस्ड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है और पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बनाती है, इज इट राइट? अगर पूरी वर्ल्ड में नहीं तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टू व्हीलर कंपनीज इन द वर्ल्ड, जिसकी बाइक आप लोग यूज भी करते होंगे। उनकी मेन बाइक है पल्सर। पहले उनका एक स्कूटर आता था चेतक, बजाज चेतक। बाद में उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया और अब वो मोस्टली वो मोटर बाइक्स बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाली जनरेशन मोटर बाइक्स ज्यादा परचेस करेगी, ठीक है, और स्कूटर्स में ज्यादा कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहे थे शायद, कंपेयर टू एक्टिवा टीवीएस। उन्होंने नए नए मॉडल्स लाए तो ये बजाज थोड़ी पीछे रह गई वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया मोटरसाइकिल्स पे। तो क्या ये AS24 फॉलो करेगी? जी नहीं, मशीन वही है, फैक्ट्री वही है, बस अब उसमें जो प्रोडक्शन है वो स्कूटर की जगह मोटर बाइक्स, और ऑफकोर्स कहीं कहीं थोड़ा उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की है, बट दैट मीन्स स्कोप ऑफ ऑपरेशन चेंज हुआ है, ऑपरेशन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ऑपरेशन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो मान लो कोई टीचर है, पहले फेस टू फेस क्लासेस पढ़ाता है, फिर उसने क्या किया, घर पे एक कैमरा लगाया, लैपटॉप लिया और अब घर पे बैठ के डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जुड़ गए उनके साथ कंप्यूटर पे, अपने अपने घरों पे बैठो और टीचर से क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। तो क्या हम उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का नाम देंगे? नहीं, ऑपरेशन कंटिन्यू है किसी और फॉर्म में, ओके? नहीं तो फिर बहुत सारी कंपनी जो बिजनेस मॉडल रिस्ट्रक्चर करते रहती है, उनको तो स्टैंड अप्लाई करना पड़ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल नीचे में पढ़ता हूँ और आपको बताना है कि क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के केस में जाएगा या नहीं। भारत न्यूज़पेपर्स लिमिटेड पब्लिशर्स इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर। तो इनका दो प्रोडक्ट लाइन है, दो बिजनेस लाइन है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया है और क्या है जो भी है, द इट विशेस टू डिसकंटिन्यू हिंदी न्यूज़पेपर एंड हाइव इट ऑफ टू अ न्यू कंपनी, यानी डी मर्जर है। तो डी मर्जर इज एन एक्सेप्टेबल मोड ऑफ डिस्पोजल। हिंदी न्यूज़पेपर इज अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, इट इज पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान। इज द हिंदी न्यूज़पेपर अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? द डिसकंटिन्यूएशन विल इन्वॉल्व हाइविंग ऑफ द प्रेस एंड अदर फैसिलिटीज टू द न्यू कंपनी। तो क्या लगता है आपको, क्या हम इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में दिखा सकते हैं? हाँ, तो आपको लिखना, इट इज पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान, मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी, मोड ऑफ डिस्पोजल इज डीमर्जर एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। वो पूरा डेफिनेशन आपको दिमाग में बैठा के रखना है, तो जब भी वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसको लिखना है। तो मैंने वहां पे आंसर बहुत ब्रीफली लिखा है, लेकिन आप उसमें कुछ और पॉइंट्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। भारत न्यूज़पेपर लिमिटेड इज नॉट अ डाइवर्सिफाइड कंपनी एंड हैज ओनली वन लाइन ऑफ बिजनेस न्यूज़पेपर। इन सच अ केस अ मेजर प्रोडक्ट और सर्विस लाइन मे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ द डेफिनेशन। तो यहां पर मैंने पूरा डेफिनेशन को रिपीट नहीं किया है, सिर्फ इतना लिखा है कि इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन क्राइटेरिया एंड देयरफॉर इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आपको एग्जाम में ये भी लिखना, इट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, इट इज पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान, द मोड ऑफ डिस्पोजल इज डी मर्जर। हाइव ऑफ किया है ना आपने,
hive off to a new company मतलब demerger होता है, and you can calculate its revenue expense separately, income expense asset liability separately. वो आपको assume करके लिखना है. कोई भी company जो business करेगी जिनका हिंदी और इंग्लिश newspaper है वो पक्का रेवेन्यू का हिसाब रखती होगी अलग अलग या नहीं रखेगी? रखेगी या नहीं रखेगी बोलो? रखेगी. तब तो आगे जाके डिसीजन लेंगे ना कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. एक और एग्जांपल देखना, शायद आपकी बुक में नहीं, छोड़ देते इसको. इस पर आ जाओ, सेकेंड नंबर पे. टिक मार्क इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, वेरी गुड क्वेश्चन. नंबर टू, ए लिमिटेड इज हैविंग फूड डिविजन, क्लोथ डिविजन एंड बेवरेजेस डिविजन. द फूड डिविजन अकाउंट फॉर 8% ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू, 9% ऑफ टोटल एसेट एंड 9% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ऑल डिविजन. तो जानबूझकर आपको छेड़ने के लिए उन्होंने 10 के आसपास रखा है फिगर. अब स्टूडेंट सोच रहा है कि क्लास में सर ने तो मुझे 10% कहा था, ये तो सारे 10 के नीचे हैं. इट इज प्रपोज्ड टू बी डीमर्ज बाय द बोर्ड. तो बोर्ड ने एक प्लान पास कर दिया है, पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान. इज इट अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली? क्या हम इसको सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इज इट अ डिस्टिंक्ट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर AS 24? हाँ जी. तो ये क्वेश्चन का जवाब है यस. यस, दोनों यस है. एक तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि आप इसकी रेवेन्यू आपने अलग कैलकुलेट की है, आपने इसका एसेट अलग कैलकुलेट किया है, आपने इसका प्रॉफिट अलग कैलकुलेट किया है. ऐसा तभी होगा ना जब ये डिस्टिंग्विशेबल होगा, ना तो कैसे इसका अलग अलग आप इतना कैलकुलेशन कर पाते हैं. दूसरा, क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? उसका जवाब भी आपको लिखना है हाँ. 10% जो क्राइटेरिया मैंने कहा वो एक रफ बॉर्डर लाइन है. क्या है रफ का मतलब? है कि ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है. एक स्टूडेंट को एक अंदाज लगाने के लिए कि अगर आप 10 के आसपास भी हैं तो भी ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है. मैंने कहा स्टैंडर्ड ने मेजर कहीं डिफाइन नहीं किया है, स्टैंडर्ड ने मेजर कहीं डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर हमें एक अंदाज लगाना हो कि मेजर है या नहीं तो हम देखेंगे कि 10% के आसपास है या नहीं. 10 के ऊपर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन 10 के एकदम क्लोज भी रहा तो भी आप उसको मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं. इज इट राइट? सो देयरफॉर इट इज अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस. इसकी रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बोर्ड ने एक प्लान पास कर दिया है, हेंस इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ठीक है, आंसर कैसे लिखना है? यस, इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. फिर मैंने एक नोट लिखा आपकी बुक में, वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द 10% थ्रेशोल्ड ऑफ AS 17. AS 17 जब आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा तो वहां पर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 10% का बेंचमार्क है. कोई सेगमेंट को अलग कब रिपोर्ट करेंगे? जब उसकी रेवेन्यू प्रॉफिट या एसेट 10% या उससे ज्यादा हो. लेकिन वो बेंचमार्क यहां नहीं है, हम उसको सिर्फ एज एन एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे. इसलिए अगर 10 से कम भी हुआ तो भी वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है. इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली. सिंस AS 24 सेज नॉर्मली, इट मींस इन एक्सेप्शनल केसेस इवन नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट में क्वालिफाई एज अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस. जरूरी नहीं है कि 10% क्राइटेरिया फुलफिल ही हो, 10 से कम में भी कई बार मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है. एक और एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. इस टाइप के केस स्टडी आएगी, आंसर जरा ठीक से लिखना है आपको. ABCS 3 डिविजन्स, XYZ, अ सेल एग्रीमेंट हैज बीन इंटर्ड इनटू बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड ABC. एक एग्रीमेंट साइन हो गया, द
the transfer division to transfer division Y as a going concern for a predefined price after 6 months. तो 6 महीने के बाद ट्रांसफर होगा, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट साइन हो चुका है. इज इट अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द एसेट्स आर सोल्ड टू डिफरेंट पार्टीज? क्वेश्चन में एक्चुअली डेटा बहुत कम दिया हुआ है आपको, इंफॉर्मेशन बहुत कम दी है. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना होगा कि वाई इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, जो कि क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है. आपको अज्यूम करना होगा कि वाई कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. अज्यूमिंग कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यू विल से वाई इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अब अगर आप एक ही व्यक्ति को बेचेंगे बहुत अच्छी बात, इट इज अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. लेकिन अगर आप पीसमील भी बेचना चाहते हैं, बट इफ इट इज पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, देन ऑल्सो पीसमील मोड ऑफ डिस्पोजल इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल मोड ऑफ डिस्पोजल अंडर AS 24. पीसमील भी कर सकते हैं. सोल्यूशन लिखना, लिखना मत, लिखा हुआ है. द गिवन केस ABC has entered into agreement to sell the division Y as a going concern after 6 months from the date of agreement. तो आपने binding sale agreement sign कर लिया, पूरे का पूरा division बेचेंगे एक ही party को. If during the period of 6 months current financial year ends, then it should be a case of discontinuing operation for the current year and should be disclosed as per AS 24. तो ये तो आप यहाँ पर assumption exam में लिखना, बाकी सारे condition fulfill हो रहे हैं. Question में आपको information काफी कम दिया गया है, तो जब information कम हो तो आप assume करो कि बाकी condition fulfill हो रहे हैं. और ये answer मैंने आपको बता दिया है, अगर आप piecemeal mode से dispose कर रहे हैं then also AS 24 is applicable. आपकी बुक में एक पैराग्राफ 7 पे आना, फंडामेंटल अजम्पशन रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न. अगर आप कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है या वैलिड रहेगा? स्टिल रहेगा. 4 बिजनेस है, 1 डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी तो 3 कंटिन्यू है, कंपनी थोड़ी बंद हुई. इसलिए उन्होंने लिखा है simply because a component is reported as a discontinuing operation cannot by itself affect the fundamental assumption regarding going concern. अब अगर एक ही operation और उसको ही discontinue करेंगे तो फिर AS 1 भी apply हो जाएगा, फिर going concern is no longer valid. Going concern is एक ही operation है और वही बंद हो गया या बंद होने वाला है, तो फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर वैलिड. कई सारे ऑपरेशन है, कोई एक दो बंद हो रहे हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज स्टिल वैलिड. इज इट राइट? अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, टिक करना पैराग्राफ 8. वेरी 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 3 बार वेरी इंपॉर्टेंट, वी टू द पावर 3 इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें से ही क्वेश्चन आता है, देखना आपके एग्जाम में भी आएगा इसमें से ही क्वेश्चन. कुछ कुछ सिचुएशन बिजनेस में होते हैं जिसको देखकर ऐसा लग सकता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, बट दे आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड AS 24 इज नॉट एप्लीकेबल. ऐसे तो आप AS 24 फिर लगाते रह जाओगे. इज इट राइट? तो पहला एग्जाम्पल है ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस. ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस. तो कुछ कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे कोई प्रोडक्ट लाइन को वो खत्म कर देती है,
जैसे कि एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ है बुक में, एग्जाम्पल देखना राइट साइड में, टिल लास्ट ईयर अ कंपनी वॉज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, नाउ इट इज जस्ट एंटर्ड इन टू द प्रोडक्शन ऑफ कलर टीवी सेट्स। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल है नीचे, एग्जाम्पल फोर। एग्जाम्पल फोर एग्जाम का है, लिखो एग्जाम क्वेश्चन। मैंने पीछे में आरटीपी का नंबर भी लिखे है और एग्जाम में भी आया है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट का। देखना, दिख रहा है क्वेश्चन, अ हेल्थ केयर गुड्स प्रोड्यूसर हैज चेंज द प्रोडक्ट लाइन एज फॉलोज। पहले उनका फोकस था वॉशिंग सोप पर, अब उनका फोकस हो गया है बाथिंग सोप। पहले धोने वाले साबुन पे ज्यादा जोर देते थे, अभी नहाने वाले साबुन। धीरे धीरे देखो क्या हुआ, जनवरी से लेकर सितंबर 2012 में 2 लाख यूनिट था इसका प्रोडक्शन, 2 लाख उसका। फिर लेकिन अक्टूबर से दिसंबर क्या किया, इसको कम कर दिया, इसको 1 लाख कर दिया, उसको 3 लाख, टोटल अभी भी 4 लाख ही है। फिर बाद में जनवरी से मार्च में क्या किया, इसको 0 कर दिया, उसको 4 लाख कर दिया। तो आप देखोगे तो उनका जो कैपेसिटी वो 4 लाख यूज हो ही रहा है, लेकिन एक को आपने हटाया और दूसरे में वो पैसा लगाया। तो क्या हम वॉशिंग सोप को एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिखाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। नीचे देखना क्वेश्चन, द कंपनी हैज इन्फोर्स्ड अ ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ एन ओवरऑल प्लान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन इन मार्च 2012 टू दिस इफेक्ट, कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, अंडरलाइन शुड इट बी ट्रीटेड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है स्टूडेंट ने तो जनरली वो हाँ लिखेगा, लेकिन जवाब है ना। बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑपरेशन इन द प्रोडक्ट लाइन ऑफ वॉशिंग सोप द कंपनी इज इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन बैथिंग सोप, सच अ चेंज इज ग्रेजुअल, अ इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस and does not meet the definition of discontinuing operation as per AS 14, therefore this changeover is not a discontinuing operation, is it right? इंस्टीट्यूट ने कैसे किया, पहले सीपीटी को धीरे धीरे कम किया, वो फाउंडेशन ले आया है तो वही, लेकिन वो ग्रेजुअल फेजिंग आउट किया उन्होंने। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली वो आईपीसीसी को भी फेज आउट कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी वही कंटिन्यू होगी, ठीक है। इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बजाज चेतक ने भी धीरे धीरे उसको कम किया और बाइक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो ऐसा बिजनेस में होता रहेगा, इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली, नीचे लिखा हुआ फोर्थ पॉइंट में, सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि एक बिजनेस लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कुछ हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, कुछ हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट लाइन चालू है, उसके अंदर के कुछ प्रोडक्ट्स हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। क्या आप एक एग्जांपल पढ़ सकते हैं राइट साइड में, अ कंपनी हैज थ्री मार्केट एरियाज, यानी कंपनी के 3 टाइप के कस्टमर हैं, एक्सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट, सॉरी एक्सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट, हाँ। द कंपनी फाइंड्स दैट it may not be able to sell to the government in the coming years due to changes in the government procurement policy. तो अब क्या होगा, जो हम government को product बेच रहे थे अब वो बंद हो जाएगा, but इसका मतलब ये नहीं है कि हम operation को discontinue घोषित कर देंगे, बाकी दो
यूनिट्स तो चल रहे हैं एक्सपोर्ट और लोकल, फिर ये एक अच्छा एग्जांपल है शिफ्टिंग का। कई बार हम फैक्ट्री एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? नहीं, यहां से वहां चल रहा है, सिर्फ लोकेशन बदला है। जैसे चाइना में एक कंपनी थी आपकी, आपने सोचा कौन चाइना में जाके जान गंवाए, पूरा फैक्ट्री शिफ्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है, क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? वो ऑपरेशन अब यहां कंटिन्यू हो रहा है। कुछ कंपनीज पूना से मान लो औरंगाबाद शिफ्ट हो गई है, क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? जी नहीं, ठीक है। एग्जांपल भी लिखा है यहां पे, कंपनी हैज इट्स प्रोडक्शन प्लांट इन लोकेशन ए, टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इट शिफ्ट्स टू लोकेशन वाई, शिफ्टिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज नॉट अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, AS-24 इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग, इसका ना यहाँ पे एक बड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, घर जाके पढ़ लेना पहले। हाँ जी, एक कंपनी प्रोसेस इंडस्ट्री में है, प्रोसेस इंडस्ट्री मतलब आउटपुट बनने के लिए उसको पहले कई प्रोसेस से गुजरना होता है, P1, P2, P3। कंपनी ने पाया कि जो P2 में प्रोसेस होता है हमारे लिए थोड़ा महंगा है, हमारी उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वो क्या करती है, ये P1 में प्रोसेस होने के बाद वो एक आउटसाइड पार्टी को दे देती है, आउटसोर्स कर देती है, फिर यहां से वापस ये P3 में आएगा और फिर ये कस्टमर को आउटपुट जाएगा। तो इन्होंने कहा जब तक हमारे अंदर एक्सपर्टाइज ना आ जाए हम P2 क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कटिंग, क्योंकि अगर यही काम कोई दूसरा सस्ते में करके दे रहा है उससे करवा के लो ना। आप कॉस्टिंग में तो आपने पढ़ा ही होगा, कई बार हम खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरों से मैन्युफैक्चर करवा के लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है, इज इट राइट। जैसे आपकी जो बुक्स प्रिंटिंग हम लोग करके देते हैं, खुद हम नहीं करते हैं, बाहर से खुद करेंगे तो महंगा पड़ता है, खुद करेंगे तो बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि हमारे पास मशीन्स भी नहीं है, एक्सपर्टाइज भी नहीं है, जबकि उनके पास मशीन्स रहती है बड़ी बड़ी, लोग रहते हैं, एक्सपर्टाइज है, पेपर कहाँ से खरीदना, कम रेट पे खरीदना, वो उनका काम है। मैं यहाँ पढ़ाऊँ कि पेपर खरीदने जाऊँ? बोलो, दोनों काम सोच सकते हैं इस बारे में। कल से तुम ऑफिस में आ जाना, तुम्हें 4,500 की पगार पे रखूंगा, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी है, समझे? समझ गए एग्जाम्पल? ये वही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। होमवर्क लिखना, एक होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 शायद आपको एक भी नहीं मिलेगी, शायद आपको एक भी नहीं, 10 के 10 में आप देखेंगे AS-24 है ही नहीं। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऐसे बात पे हम अप्लाई नहीं करते हैं, उसके लिए पूरा कंडीशन मीट होना चाहिए, राइट। अब आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, 6th page ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3, वेदर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर, हेलो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, यस और नो? यस और नो? द आंसर इज नो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम आपने पढ़ा AS-5 में, इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम योर बिजनेस एक्टिविटी, क्लियरली। क्या बिजनेस में आप समय समय पे अपने ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे? करेंगे, कोई लॉस बाय फायर थोड़ी हो गया,
कोई लॉस बाय अर्थक्वेक थोड़ी है, ये तो हमारा बिजनेस डिसीजन है, मैनेजमेंट की प्लानिंग प्रोसेस का नतीजा है। अगर हम किसी भी चीज को बिजनेस में पहले से प्लान कर सकते हैं तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो सकता। वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ये हमारे द्वारा प्रॉपरली प्लान्ड एक्टिविटी है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल इवेंट, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, क्योंकि रोज रोज नहीं होता, डे टू डे नहीं होता, लेकिन होता है, पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट योर अदर एक्टिविटीज, इज इट राइट? बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना भी बिजनेस का ही पार्ट है। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर, जिसका नाम है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, IDE। अगर कहीं लिखा हुआ है हमारे नोट्स में तो उसका मतलब होगा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले समझ लो। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि AS24 कब से एप्लीकेबल होगा आपकी कंपनी को, तो उसके लिए दो इवेंट नीचे दिए गए हैं। दोनों में से जो पहले होगा उस डेट से AS24 एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट है ए, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, कंपनी ने एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया है किसी कस्टमर के साथ कि ये ऑपरेशन हम आपको बेच देंगे, तो जिस दिन आपने वो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी हैज अप्रूव्ड अ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएशन एंड मेड इट्स अनाउंसमेंट दोनों में से कोई भी इवेंट पहले हो जाए। दूसरा क्या है कि मान लो हमने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं किया लेकिन बोर्ड ने प्लान अप्रूव कर दिया है, बोर्ड ने प्लान और उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी, उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो गई है, यानी सिर्फ ये बोर्ड के आपस के बीच की अब वो बात नहीं रही, ये बात आम हो गई है। कैसे कर सकते हैं हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना? या तो आप स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस दे दो, तो स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही आप नोटिस देते हो न्यूज़पेपर में आ जाती है वो बात, या फिर आप अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को, क्रेडिटर को, बैंकर्स को, शेयरहोल्डर्स को एक ईमेल कर देते हैं कि हमने फैसला किया कि हम इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ अगर बोर्ड ने प्लान अप्रूव किया लेकिन अभी तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अभी हुआ नहीं है। तो अभी आप मुझे बताना कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब हुआ। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया आपने 30 जून 2020 को, बोर्ड ने अप्रूव किया 20 जून 2020 को, और बोर्ड ने अनाउंस किया, अनाउंस में यहां लिखता हूं नीचे, 25 जून, ये जून है। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब हुआ? 25 जून को, ठीक है? अब मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया 10 जून को, बोर्ड ने अप्रूव किया 20 जून को, बोर्ड ने 25 जून को, तो बाइंडिंग, तो आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब हुआ? 10 जून को, तो 10 जून से स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें AS24 का इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा, इज इट राइट? विद इन अ ईयर तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होगी, ये इवेंट हुआ है 5 अप्रैल को और ये अप्रूवल और अनाउंसमेंट हुआ है 25 मार्च को, तो अब क्वेश्चन आएगा कि क्या जब हम 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को डिस्क्लोज करेंगे? बोलो हाँ, क्योंकि 25 मार्च को इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट
हो चुका है. इज इट राइट? 25 मार्च को हो चुका है, तो 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो इस स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो देनी पड़ेगी. समझ में आया? कुछ कंपनीज क्या करती है, उसको होल्ड पे रखती है, बोलती पहले ईयर बीत जाने दो, ईयर उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे. एटलीस्ट इस साल तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, क्वेरी पूछते हैं मैनेजमेंट से, ठीक है, और मैनेजमेंट के पास कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है. आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जमाना है, इसलिए मैनेजमेंट को शेयरहोल्डर्स के क्वेरीज का रिप्लाई करना है, उनको एनुअल रिपोर्ट में लिखना पड़ता है इस साल इतने क्वेरीज आई, उसका हमने इतना रिप्लाई किया. ओके, तो इंडिया में धीरे धीरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काफी फोकस है, मतलब आपको शेयरहोल्डर्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है. सुना आपने ये वर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कब सुन लिया? कंपनीज एक्ट में. कंपनीज एक्ट में है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अरे वाह, तो AS 24 कब से एप्लीकेबल है? व्हेन फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर whichever is earlier. One, company has entered into a binding sale agreement. Second, board of directors have approved and announced the plan. इतना बस सिंपल शब्दों में याद रखना, board has approved and announced the plan. अब आप बहुत देर से सुन रहे प्लान प्लान प्लान, क्या होता है ये प्लान? तो प्लान का मतलब है कि उसमें हम पूरा डिटेल्ड प्रोसेस लिखेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे डिसकंटिन्यू होगा. आपकी बुक में मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, उसको आप अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं. प्लान में एक तो लिखा रहेगा कि कौन कौन से एसेट डिस्पोज होंगे, उसके बाद मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या होगा. मेथड ऑफ डिस्पोजल अगर पीस मिल है तो आप लिखेंगे हम पीस मिल तरीके से डिस्पोज करेंगे. मेथड ऑफ डिस्पोजल अगर सिंगल सेल ट्रांजेक्शन होगा, मेथड ऑफ डिस्पोजल डीमर्जर हो सकता है, और अबेंडनमेंट भी हो सकता है. अबेंडनमेंट कराची, ठीक है, गुजरात से आगे. नेक्स्ट, टारगेट पीरियड, कब तक हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं वो लिखना है. अफेक्टेड लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन हम डिसकंटिन्यू करेंगे. और लास्ट है कॉम्पनसेशन, एंड कॉम्पनसेशन यानी एम्प्लॉइज जो रिटायर होंगे उनको हम कितना कॉम्पनसेशन देंगे, कितने एम्प्लॉय रिटायर होंगे. और सैलवेज वैल्यू का मतलब एसेट बेच करके हमें कितने धनराशि की प्राप्ति होगी. समझ में आया? 6 पॉइंट एक्चुअली, एक सैलवेज अलग कर देना. ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है, यानी कि मोर और लेस ये सारे डिस्कशन तो होंगे ही प्लान में. इसके अलावा और भी जो भी मैटर है वो भी आप प्लान में लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, ठीक है. अब हम आते हैं पैराग्राफ 12 पे. पैराग्राफ 12 नहीं, क्या लिखा, डिस्क्लोजर एंड एडजस्टमेंट अंडर AS 24 विल बी रिक्वायर्ड ओनली when initial disclosure event occurs. तो हमारी जो स्टोरी कब से चालू होती है AS 24 की, जब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया. तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का इम्पोर्टेंस कोई पूछे तो क्या है, इस दिन से AS 24 अप्लाई होता है. अब इंस्टीट्यूट ने एक चीज क्लैरिफाई कर दिया है जो मैंने आपको कहा था. सपोज ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च है और इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टुक प्लेस ऑन 2 अप्रैल, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? क्या इसका इफेक्ट इस वाली बैलेंस शीट में आएगा? नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा ये आफ्टर
ये बैलेंस शीट डेट इवेंट है और इंस्टीट्यूट ने उसको स्पेसिफिकली बोला नॉन एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करो, तो सिर्फ डिस्क्लोजर देना होगा, सिर्फ ब्रीफ डिस्क्लोजर देना होगा, कंपनी हैज प्लान टू डिसकंटिन्यू एयरलाइन बिजनेस ऐसा। लेकिन जो स्टैंडर्ड की पूरी डिटेल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू को बाइफर्केट करो, प्रॉफिट बाइफर्केट करो, कैश फ्लो बाइफर्केट करो, ये सब करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अगले साल करेंगे। तो कुछ कंपनीज कर सकती है एक मिस्चीफ यहाँ पे, डिले कर देगी डिस्क्लोजर, डिले कर देगी पब्लिक अनाउंसमेंट। मन में तो डिसाइड कर ही लिया है लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट होल्ड पे रखो, ईयर के बाद अनाउंस करो, तो हो सकता है एक साल तक आप AS24 से बच जाए। चलिए कोई बात नहीं। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, ध्यान दीजिए, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का मतलब है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे या मेजर करेंगे। एक अच्छी खबर, AS24 डज नॉट डील विथ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्यों? इसका कहना है बाकी के जो 28 स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनके पास जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं सही स्टैंडर्ड नहीं हूं। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है, AS2 पे जाओ। आपको गोइंग कंसर्न देखना है, 1 पे जाओ। इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट देखना है, 4 पे जाओ। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट चेक करना है, 28 पे जाओ। इंप्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग करनी है, 15। क्योंकि जब कोई कंपनी बंद होती है या उसका ऑपरेशन बंद होगा तो कई बार हम इम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, रिटायर कर देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं, तो उसके लिए AS15 लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री है तो AS2 लगेगा, कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट है AS10 लगेगा। तो आपको अलग से यहाँ पर और कुछ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट नहीं करना है, जो बाकी स्टैंडर्ड है वही फॉलो करना है। अब पैराग्राफ नंबर 14 टिक करना, बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है। यहां पर उन्होंने लिखा है कि एक बार इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया, एक बार इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया, जैसे मान लो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया 24 मार्च 2020 को, तो आप बैलेंस शीट अभी बनाने वाले हैं 31 मार्च को, तो अब इस बैलेंस शीट में जो कि मेरी पहली बैलेंस शीट होगी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के बाद की, उसमें आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है अबाउट द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यही इस स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी दें ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सके। बराबर है? तो क्या हमें इतना कुछ याद करना होगा, आप पूछेंगे मुझसे? जब आप भी, आपको पता ही है। जी हाँ, एक तो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन देना है, आपको लिखना है कि ये ऑपरेशन क्या है। अगर आप एयरलाइन बिजनेस डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको लिखना है कंपनी वांट्स टू डिसकंटिन्यू एयरलाइन बिजनेस। जो भी है, अगर वो कोई बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट है एज पर AS17, तो आपको डिस्क्लोज करना है कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इस बिजनेस सेगमेंट का या इस ज्योग्राफिकल सेगमेंट का पार्ट है या वही है। पार्ट है या मान लो कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, तो आपको लिंक करना है दो स्टैंडर्ड को कि ये ऑलरेडी सेगमेंट रिपोर्ट में अलग से डिस्क्लोज होता है। कई बार पूरा सेगमेंट हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, उसका हम थोड़ा पार्ट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको वो लिंक करनी है। उसके बाद आपको डिस्क्लोज करना है डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो सकता है या बोर्ड रेजोल्यूशन हो सकता है, और उसकी तारीख लिखनी है आपको। द डेट और पीरियड
in which the discontinuation is expected to be completed if known or determinable. अब आपको भविष्यवाणी करनी है यहां पे, कब तक ये डिसकंटिन्यूएशन का काम कंप्लीट हो जाएगा. ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि ये फिगर एक्यूरेट हो. फिर उसके बाद द कंपनी सॉरी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बैलेंस शीट डेट, द कैरिंग अमाउंट एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट ऑफ द टोटल एसेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड द टोटल लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड. तो अंडरलाइन करना है एसेट लायबिलिटीज, यानी इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की एसेट्स कितनी है, इसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसके बाद इसका रेवेन्यू कितना है, इसका एक्सपेंस कितना है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और उसके बाद इसका प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कितना है एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है एंड अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अभी मैं आपको सिंपल सा ट्रिक सिखाता हूं. ट्रिक क्या है, आपको एसेट डिस्क्लोज करना है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस भी है क्या, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंस, प्री टैक्स प्रॉफिट पीबीटी, टैक्स एक्सपेंस, कैश फ्लो, और कैश फ्लो अंडर थ्री हेडिंग ओ आई एफ. तो इतना तो आप याद कर ही सकते हैं, यानी कि जो मेन मेन जो फिगर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो आप को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोज करना होगा. अगले साल से ये सब नहीं दिखेगा, हो सकता अगले साल ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये प्रॉफिट, ये कैश फ्लो नहीं दिखे, तो अगले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो इस साल से काफी डिफरेंट हो सकता है. अगले साल की प्रॉफिट इस साल से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकती है, ये जानना इन्वेस्टर के लिए बहुत आवश्यक है. हो गया, लिख लिया सबने, इसमें कुछ रटने वाली बात है ही नहीं. एक कंपनी है डेल्टा, तो उनकी बैलेंस शीट में इस तरह से डिस्क्लोजर दिया गया था, क्या आप जानना चाहेंगे? तो इस तरह से कंपनी अपने नोट्स में डिस्क्लोजर देती है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये सारे डिस्क्लोजर्स कहां दिखाए जाते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन प्री टैक्स प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं. प्री टैक्स प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस कहां दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में. शेड्यूल 3 की भी रिक्वायरमेंट है और एस 24 की भी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा बाकी सारा डिटेल नोट्स टू अकाउंट में. ठीक है, तो देखो कंपनी किस तरह से नोट ड्राफ्ट करती है, कहीं आपको भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ड्राफ्ट अ नोट ऑफ अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो लिखना है डेट ऑन 15 नवंबर 2021, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड अ प्लान टू डिस्पोज ऑफ कंपनीज क्लोथिंग डिवीजन व्हिच इज आल्सो अ सेपरेट सेगमेंट एज पर एस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग. द डिस्पोजल इज कंसिस्टेंट विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू focus its activity in the areas of food and beverages, manufacture and distribution, and to divest unrelated activity. ये logic दे रही है कि हम क्यों discontinue करना चाहते हैं. ये बोल रही है कि हमारा main business food and beverages का है, ठीक है, इसलिए अब हम इस पर focus करेंगे और जो unrelated activity है उसको हम divest करेंगे, यानी क्लोज करेंगे, बेचेंगे. इन्वेस्ट का अपोजिट डाइवेस्ट. इन्वेस्ट मतलब हम उसमें पैसा जब डालते हैं, तो डाइवेस्ट मतलब हम अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं. द कंपनी इज एक्टिवली सीकिंग अ बायर, कंपनी ढूंढ रही है कि कोई तो आए और मेरे क्लोथिंग डिवीजन को खरीद ले. फॉर द क्लोथिंग डिवीजन एंड होप्स टू कंप्लीट द सेल बाय द एंड ऑफ 2022.
इनको लगता है कि 2000 X2 के एंड तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब उन्होंने एसेट और लाइबिलिटी लिखी यहाँ पे, ऑन 31 December 2001 कंपनीज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज 85 लाख, प्रीवियस ईयर का डिस्क्लोजर भी देना रहता है, लाइबिलिटी इज 15 लाख। ओके, इन्होंने थोड़ा कम डिस्क्लोजर लिखा है यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट कैश फ्लो भी लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको एक फीलिंग आए, एक अंदाजा आए कि किस तरह से डिस्क्लोजर दिया जाता है। नाउ विल डिसकंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, वंडरफुल स्टैंडर्ड AS24 अगेन। AS24 का नाम क्या है जरा बताना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दैट्स राइट। उस डिस्पोजल के कितने मेथड बताए गए हैं, 3 या 4? 3, एक्चुअली 4 है। आप एक है कि सिंगल सेल ट्रांजेक्शन, किसी को बिजनेस ट्रांसफर करो, पैसा लो और टाटा बाय बाय, या डीमर्जर कर सकते हैं पीसमेल, या फिर डीमर्जर एंड स्पिन ऑफ इज सिमिलर, या टर्मिनेशन बाय अबेंडनमेंट, टर्मिनेशन बाय अबेंडनमेंट। तो उस तरह से आप डिस्पोज कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए इट शुड बी परसुएंट टू अ सिंगल प्लान, इट शुड रिप्रेजेंट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज। ओके, नाउ विल कम टू द डिस्क्लोजर पार्ट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट AS24 बिकम्स एप्लीकेबल? वेन इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टेक्स प्लेस। वेन डज इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टेक्स प्लेस? Any of the two events whichever is earlier, binding sale agreement or announcement by the board, approval and announcement by the board of a plan of discontinuation. Kya AS24 recognition and measurement principle bhi deal karta hai? Nahi, AS24 kehta hai recognition and measurement principle ke liye dusre standards pe jaiye, theek hai? Uske baad inhone ek lambi disclosure रिक्वायरमेंट की लिस्ट दी है जो कल हमने देखा था, उसमें जो मेन है इजीली याद रख सकते हैं, डिस्क्लोजर अबाउट एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस टैक्स एक्सपेंस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया, अब हम आगे देखते हैं अदर डिस्क्लोजर्स। ये स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, आपने देखा होगा अब तक आपने एक बार भी कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, यस और नो? आगे भी नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट याद रखना है, पूछा जाए तो एग्जाम में लिखना है। पैराग्राफ नंबर 14 तक हो गया कल। व्हेन एन एंटरप्राइज डिस्पोजेस ऑफ एसेट्स और सेटल्स लाइबिलिटीज एट्रीब्यूटेबल टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन or enters into binding agreement for the sale of such asset or settlement of such liabilities, it should include in its financial statement the following information when the event occurs. तो अब कंपनी क्या है, एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना चाहती है, वो ग्राहक ढूंढते रहेगी, वो ग्राहक ढूंढने की कोई आकर ये एसेट खरीद ले, और जैसे जैसे पैसे आएंगे वो लाइबिलिटीज भी पे करते जाएगी, इज इट राइट? उस प्रोसेस में क्या हो सकता है, गेन या लॉस हो सकता है उस प्रोसेस में? अब एसेट बेचेंगे तो गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, लाइबिलिटी सेटल करेंगे तो गेन या लॉस हो सकता है, तो उसको डिस्क्लोज करना है। कोई भी एसेट एंड लाइबिलिटी सेटल करेंगे डिस्पोज करेंगे तो जो गेन और लॉस होगा उसको आपको डिस्क्लोज करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना, प्री टैक्स गेन और लॉस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस।
प्री टैक्स गेन और लॉस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस. तो आपकी बुक में एक लाइन ही लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन और लॉस विच इज रिकग्नाइज्ड एंड इनकम टैक्स रिलेटेड देयर टू. आपकी बुक में सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. कोई भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी सेटल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो दिखाना है, और जो इनकम टैक्स एक्सपेंस लगेगा वो दिखाना है. उसके बाद नीचे पैराग्राफ 16 पे आ जाइए, ये है अपडेटिंग द डिस्क्लोजर. मान लो सर, क्या माने, मान लो कि एक साल के अंदर डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, समय लग सकता है, तो मैं एक टाइमलाइन बताता हूँ. ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ 15 फरवरी 2020 को, IDE इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. फिर क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 को हम AS24 अप्लाई करेंगे. लेकिन मान लो अगले साल भी कंप्लीट नहीं हुआ डिसकंटिन्यूएशन, वो जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह डिसकंटिन्यू अभी नहीं हुआ है, अभी भी काम चल ही रहा है उसके ऊपर, तो क्या हम AS24 के डिस्क्लोजर 31 मार्च 2021 को भी देंगे? हाँ. मान लो फाइनली ये 31 मार्च 2022 को जाके डिसकंटिन्यूएशन का काम कंप्लीट हुआ, तो क्या हम 31 मार्च 2022 को भी डिसकंटिन्यूएशन का इन्फॉर्मेशन देंगे? यस. तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ वहाँ से डिस्क्लोजर स्टार्ट होगा, और जब ये डिसकंटिन्यूएशन कंप्लीट हो गया वहाँ तक आपको डिस्क्लोजर देना है, उस साल तक डिस्क्लोजर देना है. ठीक है. अब क्या होगा, पिछले साल हमने कुछ डिस्क्लोजर दिया, अब इस एक साल में कुछ बदलाव हुए होंगे, कुछ चेंजेस हुआ होगा, कुछ और एम्प्लॉइज रिटायर हुए होंगे, कोई और एसेट बिका होगा, कोई और लायबिलिटी सेटल हुई होगी, तो स्टैंडर्ड कहता है अपने इन्वेस्टर को अपडेट देते रहो, अपने इन्वेस्टर को अपडेशन देते रहो कि इस साल ये और चेंजेस हुए हैं इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड. हो सकता है पिछले साल आपको कोई बायर नहीं मिला हो, इस साल बायर मिल गया हो. ठीक है. इस साल कोई एसेट इम्पेयर हो गया हो, इस साल आपने VRS दे दिया एम्प्लॉइज़ को, तो जो भी उस ऑपरेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात है उसको अगले साल डिस्क्लोज करना है. ठीक है. एक पहले लाइन पढ़ता हूँ, फिर नीचे एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर पढ़ेंगे. एंटरप्राइज शुड इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड सब्सिक्वेंट टू द वन इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर्स. यानी वो इस पीरियड की बात कर रहा है, 2021, 2021, 2022, और ऐसा 2-3 साल तक चल सकता है. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो रिलेटेड टू द एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ और लाइबिलिटीज टू बी सेटल्ड एंड द इवेंट्स कॉजिंग दोज चेंजेस एंड द इवेंट्स कॉजिंग दोज चेंजेस. सही है. ये आपको हर साल अपडेट देना है जब तक ये डिसकंटिन्यूएशन कंप्लीट ना हो जाए. जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डेल्टा कंपनी का, वो फर्स्ट ईयर का डिस्क्लोजर था. सेकेंड ईयर में मान लो वही ऑपरेशन अभी भी डिसकंटिन्यूएशन के प्रोग्रेस में ही है, तो हमें कैसे डिस्क्लोज करना होगा? तो कुछ इस तरह से करेंगे. ऑन 15 नवंबर 2021 कल को इंस्टीट्यूट आपको बोलेगी ना, राइट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर AS24 इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर, तो आप इसको लिख देना. ऑन 15 नवंबर 2021 बोर्ड हैड अनाउंस्ड अ प्लान टू डिस्पोज ऑफ कंपनीज क्लोथिंग डिवीजन विच इज आल्सो अ सेपरेट सेगमेंट एज पर AS17. ठीक है. द डिस्पोजल इज कंसिस्टेंट विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू फोकस इट्स एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू डाइवेस्ट अनरिलेटेड एक्टिविटीज. ये अगर आप देखेंगे तो पिछले साल भी यही सेम लाइन लिखी हुई थी. अब इन्वेस्टर को एक साल बाद अगर एनुअल रिपोर्ट मिलेगा तो उसको याद नहीं आएगा ना पिछले साल क्या लिखी थी, तो पहले उसका थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन देना है. जैसे हम टीम में कोई नया
एपिसोड देखते हैं तो पहले 5-10 सेकंड ना पिछले एपिसोड का कुछ बताते हैं कि नहीं, वैसे ही है ताकि याद आ जाए। हाँ अब आगे, तो ये अब आगे वाला पैराग्राफ है, इस एक साल में क्या हुआ। ऑन 30th September 2002 अ कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द क्लोथिंग डिवीजन टू जेड कॉरपोरेशन फॉर ₹60 लाख। तो अब इस साल ये एक नया इवेंट हुआ, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ है ₹60 लाख में इसको बेचने का। क्लोथिंग डिवीजन एसेट्स आर रिटर्न डाउन बाय ₹10 लाख, प्रीवियस ईयर ₹20 लाख, बिफोर इनकम टैक्स सेविंग ऑफ ₹3 लाख, प्रीवियस ईयर ₹6 लाख। तो इस साल आपने एक एसेट को राइट डाउन भी किया है। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन बेनिफिट ऑफ ₹30 लाख, बिफोर इनकम टैक्स सेविंग ऑफ ₹9 लाख। तो इस साल उन्होंने कुछ एम्प्लॉय को VRS भी दिया है ₹30 लाख, उस पर इनकम टैक्स सेविंग होगी ₹9 लाख। टू सर्टन एम्प्लॉयज हुज जॉब्स विल बी टर्मिनेटेड एज द रिजल्ट ऑफ द सेल। समझ में आया? अगले साल अपडेट्स देने हैं, कब तक देना है, जब तक डिसकंटिन्यूएशन कंप्लीट ना हो जाए। इज इट राइट? डिसकंटिन्यूएशन इज कंप्लीटेड व्हेन द प्लान इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, व्हेन द प्लान इज सब्सटेंशियल, जो भी एसेट लाइबिलिटीज थे सब आपने बेच दिया, और द प्लान इज अबेंडेंड, और द प्लान इज अबेंडेंड, दो द फुल पेमेंट फ्रॉम बायर्स मे नॉट हैव बीन रिसीव्ड। पेमेंट जरूरी नहीं है कि आपको पूरा मिलना चाहिए। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कई बार पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में होता है, 2-4-5 साल तक पेमेंट चलता रहेगा, लेकिन एक बार आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, AS24 बंद। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्लान ही चेंज हो जाए, हमारा प्लान ही चेंज हो जाए। पहले प्लान क्या था? डिसकंटिन्यू करने का। प्लान चेंज हो गया मतलब हम डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक है। तो पहले आप ना ये एक ग्लास बॉटल्स बनाते थे, ग्लास बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को सप्लाई करते थे, क्योंकि आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से ऑर्डर आते हैं। फिर धीरे धीरे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने क्या किया, क्या किया, ग्लास बॉटल्स बंद कर दिया। अभी वो कहाँ, किस फॉर्म में वो सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं, प्लास्टिक्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में, कैंस में, थोड़े बहुत अभी भी ग्लास बॉटल्स में बेचते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो उनका सेल है अब वो प्लास्टिक बॉटल या कैंस में चला गया है, ठीक है। तो ये कंपनी जो ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास ऑर्डर्स आने कम हो गए, बंद हो गए, तो उन्होंने सोचा कि ये कंपनी अभी नहीं चलाएंगे, इसको बंद कर देंगे, इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल नहीं रहा। ग्राहक ढूंढ रहे हैं, ग्राहक भी सोचता है कौन इस कंपनी को खरीदे, अब परचेस करोगे ग्लास बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ग्राहक नहीं मिला। फिर एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि ग्लास बॉटल ही क्यों बनाए, मशीन तो है ग्लास से रिलेटेड, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ग्लास के आइटम्स बनाएंगे जो लोग मिल्क पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जूस पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह की ग्लास के छोटे छोटे और भी आइटम्स बन सकते हैं, थोड़ा अगर हमने डिज़ाइन चेंज किया, मोल्ड्स चेंज किया तो, राइट। तो सोचा ये बंद, लेकिन वही एसेट्स को हम यूज़ करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के लिए, राइट, बोलो ना। हाँ, तो हमने प्लान डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर से हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। अब तो क्या करेंगे, AS24 फॉलो करेंगे। अब AS24 फॉलो करना यहाँ से बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि प्लान ही डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि प्लान ही डिसकंटिन्यू हो गया। तो अगला पैराग्राफ वही कहता है कि
इफ एन एंटरप्राइज, पैराग्राफ 18 आपकी बुक में देखना, अबेंडेंस और विड्रॉस फ्रॉम अ प्लान दैट वॉज प्रीवियसली रिपोर्टेड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, देन दैट फैक्ट एंड रीजन देयर फॉर एंड इट्स इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड. तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को बताना होगा कि हमने ये प्लान चेंज कर दिया है, क्यों चेंज किया है और इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ओके अगर एक एंटिटी के पास पैराग्राफ 19 एक से ज़्यादा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो ये स्टैंडर्ड सभी के लिए एप्लीकेबल होगा. ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, ए बी सी डी ई ऐसे पांच ऑपरेशन है, आपने सोचा बी और डी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो बी और डी के लिए स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा. द स्टैंडर्ड विल बिकम एप्लीकेबल फॉर बी एंड डी, दोनों के लिए फिर सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे. अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 20, ये डिस्क्लोजर देना कहाँ है? इतने सारे डिस्क्लोजर जो आपने पढ़ा कुछ कल कुछ आज, इसको देना कहाँ है? तो सारे डिस्क्लोजर देना है नोट्स टू अकाउंट में, लेकिन सर लेकिन क्या, कुछ डिस्क्लोजर पीएनएल अकाउंट पे देना है आपको. पीएनएल अकाउंट पे आपको दिखाना है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड इनकम टैक्स रिलेटेड देयर टू. याद करो उन अच्छे दिनों को जब आप शेड्यूल 3 पढ़ते थे. शेड्यूल 3 में भी लिखा हुआ है लास्ट की कुछ लाइनों में, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इनकम टैक्स एक्सपेंस. और एक आपने आज पढ़ा जब हमने चैप्टर चालू किया आज, अगर आप कोई एसेट्स या लाइबिलिटी सेल करते हैं या सेटल करते हैं उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, लेस इनकम टैक्स एक्सपेंस. ठीक है, ईएस 24 के हिसाब से ये दो आइटम, एक तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस और उसका टैक्स एक्सपेंस, और एक प्री टैक्स गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी और उसका रिलेटेड टैक्स एक्सपेंस, ये दो जाएगा फेस ऑफ द पीएनएल अकाउंट में. और बाकी सारे डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट, ऊपर लिखा ना नोट्स टू अकाउंट, अंडरलाइन करना आपकी बुक में नोट्स टू अकाउंट, अंडरलाइन करना, सारे डिस्क्लोजर वहां जाएंगे. और आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी देना होगा, आपको पैराग्राफ 21 टिक करना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि पिछले साल का भी बैलेंस देना होगा. जैसा भी आपने देखा था इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर में, एक बार मैं कुछ स्लाइड्स पीछे जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये देखिए नीचे मैं उसको करने वाला हूँ हाईलाइट, प्रीवियस ईयर 20 लाख, प्रीवियस ईयर 6 लाख. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो आपको प्रीवियस ईयर का भी करस्पॉन्डिंग फिगर देना होगा, ताकि क्योंकि पिछले साल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. इज इट राइट? तो ये आपको करना पड़ेगा, पिछले साल का भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared after the initial disclosure event should be restated to segregate asset, liability, revenue, expense and cash flow of continuing and discontinuing operations in a manner similar to that required by the earlier disclosure. तो आपको पिछले साल का भी रेवेन्यू दिखाना होगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, पिछले साल का एक्सपेंस, पिछले साल की प्रॉफिट, पिछले साल का टैक्स एक्सपेंस, पिछले साल का कैश फ्लो, कंपैरिजन करने के लिए. ठीक है, और अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनाते हैं, पहले तो एक बात बताओ कि आपने ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट वर्ड कभी अपने नन्हे जीवन काल में सुना है? सुना है, क्या होता है? बहुत सारी लिस्टेड कंपनी इंडिया में क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती है, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स बनाती है, तो उनको हम बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में
इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा? AS 25। इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन विल बी रिपोर्टेड एज पर AS 25 इन द इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी क्वार्टरली हाफ ईयरली रिपोर्ट्स। ओके, पैराग्राफ 22 में लिखा हुआ है AS 25 हमें नहीं पढ़ना है, एंजॉय। AS 25 हमें नहीं पढ़ना है, एंजॉय। क्या डिस्क्लोज करेंगे इंट्रीम रिपोर्ट में? एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और इवेंट सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड रिलेटिंग टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जरा समझने की कोशिश करें, 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग डेट है। इंट्रीम पीरियड में आपने 3 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2020। अब इस पीरियड में अगर कुछ मेजर एक्टिविटी हो गई, कुछ मेजर इवेंट हो गया रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो उसको डिस्क्लोज करेंगे इंट्रीम रिपोर्ट में, उसको डिस्क्लोज करेंगे। जो एनुअल रिपोर्ट में हम अपडेट करते थे, अभी वही काम इंट्रीम पीरियड में करना है। अब हर क्वार्टर में आपको अपडेट करना है। एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो रिलेटिंग टू द एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ और द लाइबिलिटीज टू बी सेटल्ड। कुछ भी मेजर चेंज हुआ ऑन द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो डिस्क्लोज करेंगे। तो ये तो था हमारा AS 24। आज एक होमवर्क लिखो, कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए हैं, सिंपल है बहुत, सबके आंसर भी लिखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन RTP सजेस्टेड से लिए गए हैं। तो बोलिए, क्या आप पढ़कर आएंगे कल? क्या आप क्वेरी पूछेंगे कल? आवाज नहीं आई। पढ़ेंगे तो ही क्वेरी पूछेंगे, आज तक तो पूछा नहीं है, कल पूछेंगे। ठीक है, पढ़कर आना, और जिस क्वेश्चन में डाउट हो कल हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ओके। ओके, प्लीज कम टू AS 19। व्हाट इज AS 19? अकाउंटिंग फॉर लीजेस, और यू कैन जस्ट कॉल इट लीजेस। व्हाट इज अ लीज? लीज का मतलब बताओ। हाजी, लीज का मतलब बताओ। लीज जनरल, आपको क्या लीज का मतलब पता है? बताओ तो सही, तो आगे कहानी बढ़ेगी ना। हाँ, कोई भी एसेट को दूसरे को लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करने के लिए देते हैं, बदले में ओनरशिप हमारे पास ही रहती है। यूज करने के लिए किसी और को देते हैं, तो बदले वाला, सामने वाला हमें क्या देगा? फिर रेंट देगा। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीज। इन केस ऑफ अ लीज, द ओनर ऑफ एन एसेट ट्रांसफर्स द राइट टू यूज द एसेट टू अनदर पार्टी कॉल्ड लेसी इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक कंसिडरेशन कॉल्ड लीज रेंटल। ओके, यानी एक पार्टी जो एसेट ओन करता है, एक दूसरे पार्टी को एसेट यूज करने का राइट देता है। ओनली एसेट को यूज करने का राइट देता है, एसेट नहीं दे रहा है, एसेट को यूज करने का राइट्स दे रहा है, और दूसरा पार्टी उसको कंसीडरेशन पे करता है इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल। अब इसने एक बात कही कि लॉन्ग टर्म के लिए, जरूरी नहीं है, लीज कैन बी फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो कई बार आप मान लो किसी दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर आपने एक फ्लैट ले लिया लीज पे,
फ्लैट की लाइफ तो 50 साल है, लेकिन आपने सिर्फ 11 मंथ्स का लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है, यस और नो? तो लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ? शॉर्ट टर्म। या फिर सपोज गोवा गए, ठीक है, और वहाँ पर आपने एक बाइक ले ली रेंट पे 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद बाइक वापस आप अपने घर, तो क्या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो AS-19 दोनों के लिए अप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है, लेकिन फोकस ज़्यादा कहाँ है? फोकस ज़्यादा कहाँ है? लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म लीजेस में उन्होंने कहा है कि इसकी अकाउंटिंग इस ढंग से करो कि ये एसेट हमने लीज पे नहीं लिया है, ऐसा अज्यूम करो कि हम एसेट ओन करते हैं, और जो हम लीज रेंटल पे कर रहे हैं वो एक्चुअली रेंट नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट है। तो लॉन्ग टर्म लीजेस आर अज्यूम टू बी अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट रैदर देन अ सिंपल लीजिंग अरेंजमेंट, एंड द पेमेंट मेड बाय द लेसी इज ट्रीटेड एज अ इंस्टॉलमेंट पेमेंट विच इंक्लूड्स, चेक करना उसको, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट, विच इंक्लूड्स, अगर आप बैंक से लोन लेते 10 साल के लिए तो बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, थोड़ा बहुत कम करो, बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट में दो पार्ट होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। वही एसेट आपने 10 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो लगभग आप लेसर को भी उतना ही पेमेंट करते हो, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही पे करते होंगे, इज इट राइट? तो स्टैंडर्ड बोल रहा है इसमें और इसमें फिर क्या फ़र्क है? इन लीगल फॉर्म इट लुक्स लाइक लीजिंग, बट इन सब्सटेंस इट इज़ नॉट लीजिंग, इन सब्सटेंस इट इज़ अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, इट इज़ अ बोरिंग एंड लेंडिंग अरेंजमेंट। क्योंकि लीज की जो टर्म होती है मान लो 10 साल, एसेट की लाइफ भी लगभग 10 साल होती है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं लीज रेंटल, अगर हम बैंक से इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो लगभग बैंक को भी हम उतना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो इन फॉर्म इट इज़ लीज, क्योंकि ओनरशिप अभी भी लेसर के पास है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इन सब्सटेंस इट इज़ अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, अकाउंटिंग शुड ऑल्सो बी डन लाइक अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव, कौन कौन कवर्ड है स्टैंडर्ड में, बोथ लेसी एंड लेसर, टू प्रिस्क्राइब फॉर लेसी एंड लेसर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि स्टैंडर्ड का मेन भाग है, एंड डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। तो आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 चीज़ें, सर यहाँ तो 4 लिखा हुआ है। एक तो आपको लेसर की बुक में ऑपरेटिंग लीज पढ़ना है, लेसर की बुक में फाइनेंस लीज, लेसी की बुक में ऑपरेटिंग लीज, लेसी की बुक में फाइनेंस लीज, 4 हो गए। पांचवा क्या है? सेल एंड लीज बैक, सेल एंड, पहले सेल किया उसी एसेट को लीज पे भी ले लिया, वो भी स्टैंडर्ड में कवर्ड है, राइट? तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ लीज, जब मीनिंग समझ में आएगा तो ये आगे गाड़ी बढ़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग करने के पहले हमें इन टर्म्स का मतलब समझना, इसमें क्या इंक्लूडेड है और क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो लीज का मतलब जैसे आपने सही कहा, इज़ एन एग्रीमेंट, इज़ एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी लेसोर कन्वेज टू अदर पार्टी लेसी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और अ सीरीज ऑफ पेमेंट। या तो आप पीरियोडिक पेमेंट कर सकते हो या एक साथ ही लमसम पेमेंट कर सकते हो। द राइट टू यूज़ एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, हम एसेट बेच नहीं रहे हैं, एसेट की राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड जनरली लीज इज़ फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लीज टर्म 1 साल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कुछ कुछ जगहों पे आपने पढ़ा होगा शायद लैंड की लीज 99 ईयर्स के लिए भी होती है, इज इट राइट? और एक मैंने और पढ़ा था 999 ईयर की भी एक लीज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट साइन करके चले गए, हम यूज़ कर रहे हैं उसको, एंजॉय कर रहे हैं, 1 रुपया प्रति साल के हिसाब से, ऐसा होता है? उसके लिए पिछले साल कुछ अच्छा काम करना चाहिए पिछले जन्म में, तभी जाकर ऐसा लीज मिलता है आपको, हमारा तो चांस कम ही है। नाउ व्हाट इज़ अ फाइनेंस लीज,
तो सीए बनने के बाद तो बिल्कुल ही चांस नहीं रहेगा कि नेक्स्ट जन्म में तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। इतने पाप करोगे तुम आने वाले कुछ सालों में कि कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। चलिए, व्हाट इज अ फाइनेंस लीज, व्हाट इज अ फाइनेंस लीज, आपने पढ़ा ना दो टाइप के लीज होते हैं। फाइनेंस लीज इज अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ एन एसेट। सो जरा ध्यान से पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को। फाइनेंस लीज में क्या होता है, फाइनेंस लीज में क्या होता है कि एसेट का जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो लेसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है सब्सटेंशियली, नॉट फुल्ली बट सब्सटेंशियल। कुछ रिस्क हो सकता है लेसर के पास रह जाए, जैसे कि 10 साल के बाद जब ये एसेट वापस करेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी होगी। सो फॉल इन रेसिड्यूअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज अ रिस्क, लेकिन वो रिस्क कौन उठाएगा, लेसर। लेकिन बाकी जो दूसरे रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कौन इंजॉय करेगा या कौन उठाएगा, लेसी। जैसे हमने 10 साल के लिए एसेट दे दिया, ओके, अब 10 साल में मान लो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई सिर्फ 30%, तो कैपेसिटी अनयूटिलाइज रह गई, ये लॉस कौन उठाएगा, लेसी, इज इट राइट। लेकिन अगर मान लो कैपेसिटी पूरी 110% यूटिलाइज हो रही है, सुबह शाम तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिट भी लेसी को ही मिलेगा, ठीक है। तो उस एसेट से जो भी फायदा या नुकसान होगा, जो जनरली एक ओनर को होता है, उसका फायदा भी उसको ही मिलेगा, उसका नुकसान भी उसे उठाना पड़ेगा। कुछ नुकसान हालांकि लेसर को भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने डेफिनेशन लिखते समय ऑल नहीं लिखा, सब्सटेंशियली ऑल लिखा है। न तो स्टूडेंट फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे, कंपनीज आर्ग्यूमेंट करेगी कि नहीं ये तो फाइनेंस लीज नहीं है, तो इंस्टीट्यूट भी जानती है आपका स्वभाव, वर्ड्स प्ले करते हैं आप लोग, इसलिए सब्सटेंशियली वर्ड लगा दिया वहां पे। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग लीज, अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज, व्हाट एन आंसर। और इसमें कुछ गलती भी नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर सिर्फ कोई लीज दो ही कैटेगरी के हो सकते हैं, एक को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया, एक को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया, तो दूसरों को डिफाइन करने की क्या जरूरत है। अगर हमने दिन को डिफाइन कर दिया तो रात अपने आप डिफाइंड है, अगर हमने मेल डिफाइन कर दिया तो फीमेल अपने आप डिफाइंड है, इज इट राइट। दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, आदमी एक तीसरा कोई रास्ता निकाल लेगा। सीएलओ का दिमाग वैसे भी बहुत चलता है, इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा दिमाग इनका ही चलता है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है लीज टर्म। व्हाट इज अ लीज टर्म, सिंपल मीनिंग तो है कि जितने पीरियड के लिए एसेट को लीज पे दिया गया है, जितने पीरियड के लिए एसेट लीज पे दिया गया है। लेकिन इंस्टीट्यूट का भी अपना अलग अंदाज होता है लिखने का। लीज टर्म इज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज एग्रीड टू टेक ऑन लीज द एसेट टुगेदर विथ एनी फर्दर पीरियड for which the lessee has the option to continue the lease of the asset with or without further payment, which option at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise। पढ़ने के बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए। लीज टर्म का मतलब होता है प्राइमरी लीज पीरियड प्लस सेकेंडरी लीज पीरियड, सेकेंडरी भी जुड़ा इसमें। प्राइमरी मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी टर्म भी। 5 साल सपोज प्राइमरी टर्म है, एसेट की कीमत है, कॉस्ट है 1 लाख,
लेसी ने आपसे 35,000 करके 5 बार वसूल लिया है कि नहीं, तो कितना हो गया लेसोर ने 1,75,000, 1,00,000 का एसेट का उसने ऑलरेडी 1,75,000 रुपये आपसे ले लिया है, मतलब उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा 12-14%, तो उसका काम हो गया, उसने जो पैसा लगाया था उसका उसके रिटर्न मिल गया। वो क्या कह सकता है आपको, सर आप चाहें तो और 5 साल के लिए इसको ले लो, हम आपको सिर्फ 2,000 रुपये पर एनम चार्ज करेंगे, कोई मना करेगा? कल 35,000 दे रहे थे, अब 2,000 देना है उसी एसेट का, तो आप कंटिन्यू करेंगे? हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए लीज टर्म माना जाएगा 10 ईयर, लीज टर्म माना जाएगा 10 ईयर, क्योंकि आपको एसेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो 10 ईयर विल बी द लीज टर्म। ओके, एंड लीज टर्म शुड बी नॉन कैंसिलेबल पीरियड, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब तो आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एक आध स्टैंडर्ड का नाम बताओ जहां आपने पढ़ा है, AS 13, AS 20, ओके, आई थिंक AS 10 में भी है। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड में ये वर्ड फेयर वैल्यू आता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड में ये वर्ड फेयर वैल्यू आता है। फेयर वैल्यू का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू, आर्म्स लेंथ प्राइस, कौन सी प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब द बायर इज नॉट फोर्स टू बाय, सेलर इज नॉट फोर्स टू सेल, बायर इज नॉलेजेबल, सेलर इज नॉलेजेबल, बायर कैन नॉट चीट द सेलर, सेलर कैन नॉट चीट द बायर, दैट प्राइस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू और आर्म्स लेंथ प्राइस। नीचे शॉप में गए, नोटबुक लिया, 40 रुपये दिया, क्या था वो, आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या आपने उसको बोला नहीं, ये तो नोटबुक 5 रुपये की मिलती है, 5 रुपये में दे दो, उसने सोचा हाँ बच्चा बहुत होशियार है, दे दिया, ऐसा होता है? या उसने कहा ये नोटबुक 2,000 रुपये की है, निकालो 2,000 रुपये, आप बोलेंगे क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मेरे सिर पे सिंह दिख रहा है आपको, ये पड़ोसी वाला 40 रुपये में दे रहा है, तो 40 रुपये फेयर वैल्यू, 2,000 फेयर वैल्यू नहीं है। या फिर आपने उसके कंधे पे, सर पे एक बंदूक रखी यहाँ पे एकदम बीच में, ठीक है ये नोटबुक मुझे दे दे, नहीं तो ये 6 की 6 गोली मैं उतार दूंगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। उसने कहा एक काम करो, ले लो भाई नोटबुक, गोली मत मारना। आपने कहा ये लो 5 रुपये, तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने फ्री में नहीं लिया, क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं, बायर इज नॉट अ, सॉरी सेलर इज नॉट अ विलिंग पार्टी, आपने बंदूक की नोक पे उससे प्राइस डिटरमाइन किया है, बायर शुड बी फ्री, सेलर शुड बी फ्री, नहीं लेना हो टाटा बाय बाय, जोर जबरदस्ती करके कोई चीज नहीं खरीद सकते या बेच सकते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू समझ में आया, यानी मार्केट वैल्यू। फिर इस चैप्टर में एक टर्म बार बार यूज होगा, मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट। तो अभी से जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पहले, उसके बाद सुना, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट मेड बाय द लेसी ओवर द लीज टर्म, पेमेंट मेड बाय द लेसी ओवर द लीज टर्म, एंड that the lessee is required to make, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें include नहीं होगी, हर payment lease rental नहीं हो सकता, हर payment, जैसे कि for example lessee has to pay contingent rent, contingent rent is not a part of minimum lease payment। आप बोलेंगे contingent rent क्या होता है, इस chapter में तो एक के बाद एक भारी भारी शब्द आ रहे हैं। कॉन्टिंजेंट रेंट का मतलब है कि अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो उसके बदले में इतना रेंट देंगे, जैसे कि रेंट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स द मशीन विल ऑपरेट। कंटिंजेंट क्या है इसमें, आवर्स, मान लो अगर एक भी आवर ऑपरेट नहीं हुआ तो रेंट जीरो है, 200 आवर अगर
ऑपरेट हुआ तो 200 आवर का रेट लगेगा। तो जहां पर आपका रेंट फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉस्ट फॉर सर्विसेज एंड टैक्सेस टू बी पेड बाय एंड रीइंबर्स टू द लेसर, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। कई बार मशीन जो होती है स्पेशलाइज्ड होती है, टेक्निकली उसको सिर्फ कुछ लोग ही इस्तेमाल और यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? लेसर। लेसर बोलता है तुम ये मशीन लगा लो, मैं इसका रिपेयर मेंटेनेंस भी तुम्हें करके दूंगा, लेकिन उसकी फीस अलग लगेगी। क्या वो लीज रेंटल में उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, वो तो एक अलग फीस है, वो तो एक अलग सर्विस की अलग फीस चार्ज कर रहा है, वो एसेट देने के लिए वो फीस चार्ज नहीं कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज कोई प्रॉपर्टी है, उसका टैक्स आप लेसर को रीइंबर्स करते हैं, फिर लेसर गवर्नमेंट को पे करती है, क्या हम उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कंटिंजेंट रेंट, कॉस्ट फॉर सर्विसेज एंड टैक्सेस टू बी पेड और रीइंबर्स्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। लेकिन उसमें हम एक और चीज इंक्लूड करेंगे, पॉइंट नंबर ए और बी लिखा हुआ है। ए है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन केस ऑफ लेसी एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी। तो अब मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दूंगा, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ लीज रेंटल प्लस जीआरवी। व्हाट इज जीआरवी? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लेसी ने कहा कि 10 साल बाद ये एसेट मैं खरीद लूंगा 20,000 रुपये में, वैसे भी तुम्हें बेचना ही है किसी और को, 10 साल के बाद आप इस एसेट को किसी को बेचोगे ही ना, मुझे ही बेच देना, वैसे भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, एग्रीमेंट में लिख के दिया उसने। तो इसका मतलब है कि मेरा टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, एक तो हम जो लीज पेमेंट कर रहे हैं वो, और एक जो हम रेसिडुअल वैल्यू दे रहे हैं वो, तो एक तरह से इतना अमाउंट हम पे कर रहे हैं उस एसेट के लिए, है कि नहीं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाना चाहता हूँ, क्या आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं? लिखो, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू। आज नोटबुक सामने रखना, कुछ क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो मान लो 4 साल लीज रेंटल है। लिखो ना जल्दी, तुम लोग तो 1 घंटा तो नोटबुक खोलोगे, पेन निकालोगे, स्केल निकालोगे, उसके ऊपर जय गणेशाय नमः लिखोगे, नालायक। स्टार्ट करो। ईयर पर्टिकुलर अमाउंट 1, 2, 3, 4, पहले 4 साल लीज रेंटल भरेंगे 5,5 लाख रुपए, उसके पश्चात गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, लेसी ने 2 लाख रुपए की गारंटी दी है कि अगर हुआ तो मैं, अगर 4 साल बाद मैं आपसे एसेट 2 लाख में खरीद लूंगा। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट क्या हुआ? 22 लाख, 5 × 4 + 2, इज इट राइट? यानी 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपीज पे कर रहे हैं एसेट के लिए। अब ध्यान से देखोगे, अभी हमने इसमें डिस्काउंटिंग अप्लाई नहीं किया है, दिस इज विदाउट डिस्काउंटिंग, दिस इज, हाँ, जब हम इसको डिस्काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। डिस्काउंटिंग के बाद इसका नाम बदल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। एक तरह से इंस्टॉलमेंट है, एक तरह से क्या है ये?
इंस्टॉलमेंट है, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो लगभग इतना ही अमाउंट आप बैंक को भी हर साल पे करते हैं, है कि नहीं? चलिए अब आपकी बुक में एक बार वापस आ जाओ। एक बार बुक में वापस आने के पहले एक मैं केस स्टडी चेंज कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लेसी गारंटी नहीं देता, लेसी ने कहा मैं बस एसेट 4 साल यूज़ करूँगा, 5-5 लाख दूंगा, उसके बाद ये एसेट मैं आपको वापस कर दूंगा, उसके बाद आप जानो आपके काम जाने आपकी इच्छा, ठीक है, मेरा काम 4 साल तक का ही है। तो उसी एग्जाम्पल में अगर मान लो लेसी ने गारंटी नहीं दी या किसी ने लेसी के बिहाफ में गारंटी नहीं दी तो मिनिमम लीज पेमेंट क्या होगा? 20 लाख। लिखना चाहते हैं या रहने दें? लिख लो, उसके लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा पहले। इफ द लेसी हैज नॉट गिवन एनी गारंटी, इफ द लेसी हैज नॉट गिवन एनी गारंटी, अच्छे से लिखो, बुक्स में ये सब बातें नहीं लिखी रहती। अगर लेसी ने गारंटी नहीं दी है तो MLP क्या होगा? जस्ट 5 लाख × 4 लिख दो, MLP विल बी 5 लाख × 4 years, 20 लाख। MLP विल बी 5 लाख × 4 years, 20 लाख। पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, 5 लाख × 4, 20 लाख। वही एग्जाम्पल में हमारा आंसर बदल सकता है। आपको क्वेश्चन में देखना कि क्या गारंटी दी है या नहीं, नहीं दिया तो नहीं लेना है। रेसिडुअल वैल्यू दिया रहेगा लेकिन वो रेसिडुअल वैल्यू शुड हैव बीन गारंटीड बाय द लेसी, तो लेसी के MLP में आएगा, नहीं दिया तो लेसी के MLP में नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट ने 2 डेफिनेशन दी है MLP की, एक डेफिनेशन है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेफिनेशन है लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाता है, लेसोर का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा, हाँ चलिए जो पैराग्राफ कॉमन है उसको मैं वापस पढ़ता हूँ। ये पैराग्राफ कॉमन है ऊपर वाला, मिनिमम लीज पेमेंट आर पेमेंट ओवर द लीज टर्म दैट द लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक। उसमें 3 चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, कॉन्टिंजेंट रेंट, पेमेंट फॉर सर्विसेज एंड टैक्सेस, टुगेदर विथ पढ़ने के बाद सीधा पॉइंट नंबर बी पे जंप करना। अभी टुगेदर विथ, इन द केस ऑफ लेसोर एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड टू द लेसोर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लेसी, ये भी वहाँ तक सेम है, लेकिन जरा सोचो लेसोर ओनर है, वो एसेट जिसे चाहे उसको बेच सकता है कि नहीं? इस लेसी ने गारंटी नहीं दी तो क्या हुआ? दूसरा कोई आदमी गारंटी दे सकता है, या हम मार्केट में बेच सकते हैं या हम, इसलिए लेसोर की डेफिनेशन में एक लाइन और जोड़ा है, क्योंकि लेसोर अपने एसेट को किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सकता है और बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। तो लेसोर ने कहा अगर तुम नहीं लोगे तो कोई और लेगा, तुम नहीं लोगे तो कोई और लेगा, तो हमने एसेट इनको लीज पे दिया। इसने कहा सर 4 साल बाद मुझे नहीं चाहिए। कृष्णा आया, बोला सर 4 साल बाद ये एसेट मुझे दे देना 2 लाख रुपए पे, मैं लूँगा 2 लाख में, तो मैं उसको जोड़ दूँगा। अब अगर मैं मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालूँ 20 लाख आएगा तुम्हारा आंसर, लेकिन मेरा आंसर 22 लाख आएगा, क्योंकि मुझे 2 लाख की गारंटी किसी थर्ड पार्टी ने दी है, उसे भी मैं कंसिडर करूँगा, मेरा एसेट है, मैं तो किसी को भी बेच सकता हूँ, तो मैं देखूँगा मुझे इस एसेट से कितनी कमाई होगी, 20 लाख अजमल खान से और 2 लाख कृष्णा, ठीक है, 2 लाख प्रभु कृष्णा से, तो मेरे लिए तो 22 लाख इनफ्लो हुआ। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पहले 5 साल तो उसको, 4 साल तो उसको रेंट मिलेगा 5-5-5-5, और उसके बाद गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, वो गारंटी चाहे लेसी ने दी हो, ऑन बिहाफ ऑफ लेसी दी हो, या बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, इज इट राइट? समझ में आया? तो उसके कैलकुलेशन में फॉर्मूला होगा लीज रेंटल ओवर द लीज टर्म, देखो लिखा हुआ है,
प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब मैं आपको एक और टर्म समझाऊंगा और मजेदार बात, और ऑप्शन प्राइस। लीज एग्रीमेंट अलग अलग तरह से ड्राफ्ट किए जाते हैं। एक होता है कि जब हम लेसी को बोलते हैं कि एक होता जब हम लेसी को बोलते हैं तुम एसेट हमसे खरीद लेना, उसने कहा हम आपसे 2 लाख में खरीद लेंगे, उसने गारंटी दे दी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है आफ्टर 4 ईयर लेसी विल बाय द एसेट फॉर 2 लाख। एक ऐसा भी होता है कि लेसी गारंटी नहीं देता, लेसर उसको एक चॉइस देता है, एक ऑप्शन, अगर तुम चाहो प्यारे लेसी, अगर तुम चाहो तो 4 साल के बाद ये एसेट 2 लाख में खरीद सकते हो। यानी यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है, चॉइस है। तो क्या हम इस 2 लाख रुपीस को कंसीडर करेंगे? एक्सेप्ट तो 4 साल बाद करेगा ना, अभी हमें अकाउंटिंग करनी है, नहीं करेंगे। आपको देखना है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑप्शन एक्सरसाइज होने की पॉसिबिलिटी क्या है। कैसे पता चलेगा कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है? अगर मुझे लगता है कि ये 2 लाख रुपए में एसेट जो मिल रहा है उसकी मार्केट वैल्यू से बहुत कम है, एसेट की वैल्यू 4 साल के बाद 20 लाख रुपए होगी, एग्जाम्पल, ये हमें 5 लाख में सपोज दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एसेट की वैल्यू 4 साल के बाद 20 लाख होगी, ये मुझे 20 लाख में ऑप्शन दे रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्लम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद हो सकता है मार्केट में और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाएं, तो यहाँ पे ऑप्शन की एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो उस केस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब वापस एक बार समरी सुन लो, अगर गारंटीड वैल्यू है तो उसको लेना है, गारंटीड वैल्यू नहीं है तो ऑप्शन प्राइस होगा, लेकिन ऑप्शन प्राइस तब लेंगे जब उसको एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। अगर उसको एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी तो उसको कंसीडर नहीं करना है। ऑप्शन प्राइस दोनों के लिए होगा, लेसी के लिए भी होगा और लेसर के लिए भी होगा। ठीक है, अब एक नए टर्म से आपको मैं परिचित करवाता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज़।